नाजरीन गिरामी, ये वाकया गुज़िश्ता बरस नवंबर के महीने में पेश आया। दाऊद सदीक के लिए वो मामूल का एक दिन था। इनके घर पर दावत थी और वो घर के बाकी अफराद के साथ इंतजामात में मसरूफ थे। साथ ही मोबाइल फोन पर इनकी बातचीत सना से भी चल रही थी। इन दिनों ऐसा कम ही होता था कि वो दोनों ज्यादा देर तक एक दूसरे से बात ना करें। सना फोन पर इनसे बात कर रही थी और ऐन उसी वक्त दाऊद के वालिद ने घर के अंदर से इन्हें आवाज दी। दाऊद ने फोन बंद किया और वालिद के कहने पर लोहे का एक लंबा सा डंडा उठाकर सीढ़ियों से घर की छत की तरफ चल पड़े। लेकिन उसी रोज इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दाऊद के हाथ में मौजूद आहनी डंडा ऊपर से गुजरती बिजली की तारों से टकराया और एक जोरदार धमाके ने इन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। झटका इस कदर शदीद था कि दाऊद का जिस्म चंद लम्हों के लिए आग के शोले में तब्दील हुआ और वो अपने होशो हवास खो बैठे। आसपास मौजूद लोगों ने इन्हें उठाया और सर से नीचे का इनका तमाम जिस्म रेत में दबा दिया। दाऊद को जरा सी देर के लिए होश आया तो वो सिर्फ इतना कह पाए कि मुझे यहाँ से निकालो, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। इस दौरान सना इन्हें मुसलसल फोन कर रही थी मगर वो राबता ना कर सके। जब दाऊद को दोबारा होश आया तो वो लाहौर के जिना हस्पताल के एक वार्ड में बिस्तर पर थे और इनके जिस्म पर सफ़ेद पट्टियां लिपटी थीं। जल्द ही इन्हें खबर मिल गई कि डॉक्टरों के मुताबिक इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए इनके दोनों बाजू और एक टांग काटना ज़रूरी था। दाऊद को अपने मामू से मालूम हुआ कि यही एक हस्पताल था जहाँ इनका इलाज मुमकिन हो पाया था। डॉक्टरों ने कहा था कि बाजू और टांग तो दोबारा भी लग सकते हैं लेकिन हम जिंदगी दोबारा नहीं डाल सकते। ये वाकया गुज़िश्ता बरस नवंबर के महीने में पेश आया। 3 माह बाद आज दाऊद लाहौर के जनरल हस्पताल के आकब में वाके कैंची के इलाके में अपने मामू के घर पर मुकीम हैं। अपने कमरे में पलंग पर बैठे वो उस वक्त को याद करके आपदीदा हो गए। अपने घुटने की मदद से आंखें खुश्क करते हुए उन्होंने बताया कि पहले कोहनियों तक इनके बाजू काटे गए, फिर डॉक्टरों ने मेरे पूरे बाजू काट दिए, फिर मेरी दाईं टांग भी घुटने तक काटना पड़ी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो सकता है। अस्पताल में जब से इन्हें होश आया था इनके जहन में सना का ख्याल था। वो तो इनसे मिलने के लिए जाने वाले थे, वो अब कहाँ होंगी? क्या इन्हें भी पता होगा कि इनके साथ क्या हादसा पेश आ चुका है? नवंबर को होने वाले इस वाक्य से चंद माह पहले की बात थी जब दाऊद की सना मुश्ताक से मुलाकात हुई थी। वो दोनों रिश्तेदार भी थे। दाऊद की बहन की शादी सना के चचा से हुई थी। दाऊद की उम्र 21 वर्ष जबकि सना 20 साल की थी। घर की एक दावत में पहली मर्तबा इनकी बातचीत हुई। बातों और फिर मेल मुलाकातों में कब इन्हें मोहब्बत हो गई इन्हें पता भी नहीं चला। बस ये था कि वो एक दूसरे को देखे बगैर बात किए बिना ज्यादा वक्त नहीं गुजारते थे। लेकिन दोनों के घरों में ज्यादातर अफराद को इस बारे में मालूम ही नहीं था। यही सोचते हुए जब हस्पताल के बिस्तर पर लेटे दाऊद की खुद पर नजर पड़ी तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। जब सना को मालूम हुआ कि दाऊद को करंट लगा है, वो हस्पताल में है, तो वो अपनी एक कजन को साथ लिए जनरल हस्पताल की तरफ दौड़ी। दाऊद इन्हें नहीं मिले जिन्हें उस वक्त तक जिना हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। मायूस होकर उन्होंने दाऊद के मामू को फोन किया। इनके जरिए सना को मालूम हुआ कि दाऊद कहाँ हैं, इन पर क्या गुजरी थी और अब इनके साथ क्या होने जा रहा था। अब वो क्या हाल में दाऊद से मिलना चाहती थी, इन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि इनके घर वाले क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे। अपने घर वालों को राजी करके वो दाऊद को देखने उनके साथ जिना हस्पताल पहुंची मगर कोई इन्हें ऊपर वार्ड तक लेकर नहीं जा रहा था। वो चुपके से खुद ही ऊपर चली गईं और उस वक्त दाऊद का ऑपरेशन हुए 8 घंटे भी नहीं गुजरे थे। इन्हें अभी होश नहीं आया था और उन्होंने आंखें नहीं खोली थीं। इनका पूरा चेहरा सूजा हुआ था। मैंने इनके कान में इनका नाम लिया, उन्होंने फौरन आंखें खोल दी। मैंने कहा, तुमने परेशान नहीं होना, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सना के घर वाले इन्हें हस्पताल से ये कहकर ले गए कि इनकी शादी दाऊद से करवा देंगे मगर घर जाकर इनकार कर दिया। ये सुनकर दाऊद खुश भी थे और फिक्रमंद भी। छोटी उम्र की सना धीमे लहजे मगर मजबूत आसाब की मालिक एक सुलझी हुई लड़की थी। चंद बरस कबल इनकी अपनी वालदा का इंतकाल हो गया था जिसके बाद से उन्होंने अपने 3 बहन भाइयों और घर को संभाल रखा था। वो फैसला कर चुकी थी। उन्होंने घर वालों को बता दिया कि वो दाऊद से शादी करना चाहती हैं लेकिन इनके वालिद राजी नहीं थे। उन्होंने कहा
कि तुम क्या करोगी, दाऊद के बाजू नहीं है, इसकी टांग नहीं। मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं, मैंने इसका साथ देना है। घर वालों ने कहा, तुम एक शख्स के लिए सबको छोड़ दोगी। मैंने कहा, मुझे सिर्फ दाऊद चाहिए। दाऊद का कहना था कि इन्हें लगता था कि अगर उन्होंने खुद सना से शादी के लिए कहा तो ये इनके साथ ज्यादती होगी। हर लड़की चाहती है कि इसका शौहर अच्छा नजर आने वाला हो, सेहतमंद हो। मेरी जैसी हालत में कौन किसे कबूल होता है। फिर मैंने ये सोच कर छोड़ दिया कि अगर मेरे नसीब में हुई तो मुझे मिल जाएगी। इस दौरान सना की शादी कहीं और तय कर दी गई। सना के घर वाले इन्हें हस्पताल से ये कहकर ले गए कि इनकी शादी दाऊद से करवा देंगे, मगर घर जाकर इनकार कर दिया। घर वालों का ख्याल था कि वो उस वक्त जज्बाती थी, कुछ रोज में खुद ही ठीक हो जाएंगी। दाऊद ने भी सना को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे घर वाले ठीक कहते हैं, कोई वालदैन अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। मेरी तो अभी जिंदगी का कुछ पता नहीं था, रोज डॉक्टर कहते थे ये नहीं बचेगा। लेकिन सना अपनी बात पर कायम रही, मुझे पता है कि मैं किसके साथ खुश रहूंगी। इनके घर वालों ने मसले का हल इस तरह निकालना चाहा कि सना की कहीं और बात पक्की करके जल्द ही मंगनी करवा दी और शादी की तारीख मुकर्रर कर दी। शादी से 2 हफ्ते कबल सना घर छोड़कर निकल गईं, लेकिन वो दाऊद के पास भी नहीं जा सकती थीं। दाऊद और इनके घर वाले भी सना को समझा रहे थे कि वो उजलत में कोई फैसला न करें। इस असना में सना अपनी एक खाला के घर चली गईं। दाऊद अब भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने खुद के साथ पेश आने वाले हादसे से कबल सना के साथ मिलकर अपनी जिंदगी के बारे में कई मंसूबे बनाए थे। दाऊद अपने वालिद के बीमार होने के बाद अकेले ही कारोबार संभालते थे। घर पर उन्होंने चक्की लगा रखी थी जहां वो खुद काम करते थे। इन दोनों ने सोच रखा था कि शादी के बाद इनका अपना घर होगा, दोनों मिलकर मेहनत से अपनी जिंदगी सांचेंगे। लेकिन दाऊद को लगता था कि ये उस वक्त की बात थी जब वो ठीक थे। उस वक्त तो हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन ये उस वक्त की बात थी जब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त था। अब तो मेरे बाजू लग भी जाएं तो मैं कोई भारी काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सना को फिर भी यकीन था कि मिलकर वो सब कुछ कर सकते थे। मैंने इन्हें कहा कि परेशान ना हो, खुदा ने अगर आपके बाजू ले लिए हैं तो वो दे भी तो रहा है, मैं तुम्हारे बाजू बनूंगी। तुमको जो कुछ करना था मैं तुम्हारे लिए करूंगी, अब मना ना करना, मैं सब कुछ छोड़ आई हूँ। सना अब वापस घर जाने को तैयार नहीं थी। 1 माह अपनी अजीजा के यहाँ वक्त गुजारने के बाद उन्होंने दाऊद से फिर रब्ता किया। मैंने इनसे कहा कि अब मुझे मना ना करना, अब तो मैं सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ। तो उसने कहा, ठीक है। फिर मैं दाऊद के पास आ गई। ये कहते हुए वो पुर नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। गुज़िश्ता माह दाऊद के मामू के घर पर एक छोटी सी तकरीब में इन दोनों की शादी हो गई, लेकिन सना के घर वाले इसमें शरीक नहीं हुए। शादी के बाद अब दाऊद का हर काम सना खुद करती थी। इन्हें कपड़े तब्दील करवाना, खाना खिलाना और मरहम लगाने में इनका दिन गुजरता है। ताहम इनके लिए सबसे अहम दाऊद को बेबसी के एहसास और दुखी होने से बचाना है, और ये काम आसान नहीं। सोचता हूँ खुदा ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। दाऊद को किसी दूसरे पर बोझ बनना पसंद नहीं था और अब भी नहीं है। भर आई हुई आवाज में वो कहते हैं कि जब भी कोई सहारा देकर गुसल खाने ले जाता है या बाहर तक ले जाता है तो ये ख्याल आता है कि खुदा ने ये मेरे साथ क्या कर दिया। वो कहते हैं, लेकिन फिर भी मेरी बीवी सना मेरे पास आती है, वो मुझे हौसला देती है कि ऐसे नहीं सोचिए। सना साथ ही खुद को भी हौसला देती है। जब उन्होंने याद किया कि कैसे दाऊद इन्हें कहते थे कि शादी के बाद इन्हें घुमाने ले जाएंगे, तो इनकी आवाज़ भी भर आती है। अब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, जब आप ठीक हो जाओगे तो आप मुझे खुद ले जाना साथ। एक दूसरे को पाकर वो दोनों कहते हैं वो बहुत खुश हैं। ताहम एक खलिश बाकी है। मैं सोचती हूँ अगर मेरे साथ ये वाकया हो जाता। सना के घर वाले अब भी इनसे नाराज हैं। दाऊद के एक ताया ने भी इनसे बोलचाल खत्म कर रखी है। ताहम हाल ही में सना के वालिद ने फोन पर इनसे बात की थी। मेरे बाबा ने फोन किया था, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ और खुश हूँ। फिर मैंने कहा, ये दाऊद से बात करें, तो मेरे बाबा ने फोन बंद कर दिया। ये बताते हुए उन्होंने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर वो रोने लगी। मैंने दाऊद से कहा, आपने परेशान नहीं होना। उन्होंने कहा, मैं तो बस ये चाहता हूँ तुम खुश रहो। मैंने कहा, आपने परेशान नहीं होना, मैं अपने बाबा को मना लूंगी।
अपने आंसू पोंछते हुए सना ने कहा, मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे साथ ये वाकया हो जाता तो मेरे घर वाले क्या सोचते, और अगर इस वक्त दाऊद मुझे अपना लेते तो इनको कितनी खुशी होती। अब अगर मैंने ये फैसला किया है तो इन्हें खुश तो होना चाहिए, मगर वो ये नहीं सोचते। सना ने जो कर दिया है वो कोई नहीं कर सकता। दाऊद अपने पहलू में बैठी सना के आंसू शायद पोंछना चाहते थे। इनकी तरफ देखकर वो सिर्फ इतना कह पाए कि उन्होंने तो जो कर दिया है वो कोई नहीं करता। बड़ा हौसला चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि इनके घर वाले इनसे राजी हो जाएं। वो दोनों अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचते हैं। दाऊद की सोच में किसी पर बोझ बनना अब भी शामिल नहीं, वो सिर्फ थोड़ी सी मदद चाहते हैं। मैं मुखय्यर हजरात से और हुकूमत से अपील करता हूँ कि मेरे मसनूई बाजू और टांग लगवा दें या मुझे कोई कारोबार करवा दें ताकि मैं अपनी फैमिली की खुद देखभाल कर सकूं। ये कहकर वो सर झुका लेते हैं तो सना इनकी तरफ देखकर कहती हैं कि दाऊद के बाजू लग जाएं और टांग लग जाए तो ये सिर्फ मेरे आसपास चलते फिरते रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नाज़रीन गिरामी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें।